और ढक्कन का काम भी कंप्लीट होने वाला है। वेल्डिंग का काम जारी और पिच भी काफ़ी बेहतर हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है। पिच पर रूलिंग का काम बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज एक बार फिर अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में मौजूद हूँ, लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। वीडियो को इन तक देखिए और बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, शुक्रिया। और ये है मेन गेट एरिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्लैश शीट का काम बाकी है। और पिछली वीडियो में आप लोगों को ये एरिया दिखाया था, यहाँ पर क्लैश शीट का काम स्टार्ट होने वाला है चंद ही दिनों में। और सामने शेटरिंग आप लोग देख सकते हैं पहले से बांधा हुआ है। और ये है बैक साइड एरिया पे हॉस्टल, प्लेयर्स के लिए हॉस्टल है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शेटरिंग पहले से बांधा हुआ है और यहाँ पर भी काम स्टार्ट होने वाला है। और सामने आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ढक्कन लगाना शुरू है और इसके साथ साथ बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ढक्कन के ऊपर जितना काम हो चुका है वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे रही उनको स्किप ना करें और ये बिल्कुल फाइनल काम है ढक्कन के ऊपर। और मज़ीद फ्रेश अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ पिच के हवाले से और इसके साथ साथ मज़ीद जितना काम हो चुका है वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे रही उनको स्किप ना करें। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ग्रास और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पिच। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रास के ऊपर कटाई का काम भी ख़त्म हो चुका है, ये आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं। और पिच भी आप लोगों को दिखाऊंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिच आपके सामने है और पिच काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से। और पिच के ऊपर रूलिंग का काम बाकी है और ये बिल्कुल नया काम हो चुका है, सामने आप लोग देख सकते हैं ढक्कन के ऊपर ये बिल्कुल नया काम हो चुका है। और इसके साथ साथ पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये बिल्कुल फाइनल काम है ढक्कन के ऊपर और ढक्कन का काम भी कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ और इसके साथ साथ मज़ीद अपडेट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों एक काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबको मेरी तरफ से, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। और ये है वीआईपी स्टैंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जितना भी प्लस्तर का काम था वो बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। और पिछली वीडियो में आप लोगों को ये एरिया दिखाया था, यहाँ पर प्लस्तर का काम जारी था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस्तर का काम कम्प्लीट हो चुका है। और वीआईपी स्टैंड में जितना भी ग्लासेस का काम था सामने आप देख सकते हैं दोस्तों वो भी कंप्लीट हो चुका है। और सामने आप लोग देख सकते हैं वहां पर प्लास्टर का काम जारी है सेकंड स्टैंड में सीढ़ियों के ऊपर प्लास्टर का काम और ये बिल्कुल फाइनल काम है, आप लोग देख सकते हैं सेकंड स्टैंड में प्लास्टर का काम। और मज़ीद अपडेट्स भी आप लोग के साथ शेयर करने वाले हो। और सामने आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर भी काम जारी है प्लास्टर का काम सीढ़ियों के ऊपर और ये बिल्कुल फाइनल काम है। और सामने आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर भी काम जारी है, लेबर काम में मसरूफ़ है। और ये है केबल प्लेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं केबल प्लेट का काम कंप्लीट हो चुका है और पिछली वीडियो में लोगों को ये एरिया दिखाया था। और लाइटिंग के हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हो, तो दोस्तों वीडियो पे रहिए। और सामने आप लोग देख सकते हैं शीट का काम भी कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर भी शीट का काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि लाइटिंग का सिस्टम स्टार्ट होने वाला है और केबल बेल्ट का जितना भी काम था वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और लाइटिंग का सिस्टम बिल्कुल दुबई स्टेडियम की तरह है। और पिछली वीडियोस में आप लोगों को वो एरिया दिखाया था जहाँ पर क्लैश शीट का काम बाकी था, तो चंद ही दिनों में क्लैश शीट का काम भी स्टार्ट होने वाला है और बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्लैश शीट का।
और ये सामने ये है VIP स्टैंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्ले शीट का काम बाकी है फ्रंट एरिया पे। और प्रैक्टिस पिचेस पर भी काम स्टार्ट होने वाला है चंद ही दिनों में। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सेफ्टी ग्रिल, तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल नया काम हो चुका है सेफ्टी ग्रिल के ऊपर, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नया काम हो चुका है। और सामने वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केवल प्लेट अराउंड बिल्कुल यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम होगा इसी तरह, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि लाइटिंग इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स और आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।